हेलो बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्लास 9th। क्वेश्चन रीड करो, ओपन योर बुक्स। इज जीरो अ रैशनल नंबर? कैन यू राइट इज इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। ओके, तो मैंने आपको पिछले कुछ वीडियोस में बताया भी था कि हमारा जो रैशनल नंबर होता है, रैशनल नंबर मतलब वो नंबर जिनको हम p बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। मैंने आपको लास्ट वीडियोस में ये भी समझाया था, अगर हम 0/2 लिखते हैं तो इट इज़ अ रैशनल नंबर। इट इज़ अ रैशनल नंबर बिकॉज हमारे को रैशनल नंबर लिखने के लिए डिनोमिनेटर नेवर बी ज़ीरो, न्यूमरेटर मे बी ज़ीरो। ओके, तो जो ये क्वेश्चन है उसमें हम लिखेंगे इज ज़ीरो आर रैशनल नंबर? यस, ज़ीरो आर रैशनल नंबर बिकॉज वी कैन राइट 0/2 एंड इट्स अ रैशनल नंबर। कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू? तो देखो हमने लिख दिया, पी को हमने ज़ीरो लिया, टू को हमने क्या लिया, डिनोमिनेटर लिया। ओके, डिनोमिनेटर में क्यों की वैल्यू हमने क्या लिया, 2 लिया। समझ आया होगा, हाई होप आप दोनों को, आप सबको सॉरी। उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। द क्वेश्चन सेकंड इज फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। क्वेश्चन 2, फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। अब रैशनल नंबर क्या होता है, पहले तो देखो हमको ये देखना है, अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ये जो 3 है ये बचपन से हम लोग करते आ रहे हैं कि अगर कोई डिजिट यहाँ पर 52 है, इसके नीचे हम 1 अपने आप से लगा लेते हैं, ठीक है, दैट मीन्स 52 इज़ अ रैशनल नंबर। ऐसे यहाँ पर 3 है तो 3 के नीचे हम अपने आप से 1 लगा सकते हैं, 4 है तो 4 के नीचे अपने आप से 1 लगा सकते हैं, ठीक है बच्चा। तो हम क्या करेंगे, अब हमें नंबर फाइंड आउट करने हैं 3 एंड 4 के बीच के, 6 नंबर फाइंड आउट करने हैं। अब 6 नंबर फाइंड आउट करने के लिए, और वो भी रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इनके नीचे 3/1 एंड 4/1 ले लेते हैं, ठीक है। अब हमें 6 नंबर निकालने हैं तो इसको एक ज़्यादा करके भी ले सकते हैं, और इजी कैलकुलेशन के लिए मैं जनरली 10, 20, 100 इससे मल्टीप्लाई करती हूँ। तो हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए। वैसे तो हम इसमें 6 निकाल लें तो 7 से कर सकते हैं, लाइक दैट के 3 7 जा 21 और 1 7 जा 7, तो 21/7 हो जाएगा, पर मैं इजी कराने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। मल्टीप्लाई 3/1 एंड 4/1 बाय 10 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, 3/1 इंटू 10 इंटू 10, तो ये हो गया हमारा 30/10। इसी प्रकार से 4/1 इंटू 10, ये हो गया 40/10। तो देखो अब हमारे लिए कितना इजी हो गया ना, इन दोनों के बीच में 6 रैशनल नंबर निकालना। इसको हम लिख सकते हैं 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, 36/10। देखो नंबर निकल गए। इस क्वेश्चन का आंसर आपके पीछे से मैच नहीं करेगा तब भी ठीक होगा, क्योंकि रैशनल नंबर डिफरेंट हो सकते हैं, पीछे आंसर शीट में अगर मैच नहीं करेगा तो कोई दिक्कत नहीं, ये वाला आंसर भी एब्सोल्युटली राइट है। ओके बेटा, चलो